टू अनदर ब्लॉग गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप कि आप सभी बहुत अच्छे होंगे। तो गाइस, आज मेरे पीछे देख रहे हैं, मैं धान के खेत में आया हूं। तो बात ऐसा है कि आज मैं और जगेश्वर भाई है मेरे मौसा जी का भतीजा है, उनके साथ आया हूं उनके धान काटने के मशीन हार्वेस्टर को लेकर के यहाँ पर धान काटने के लिए। तो ये मेरे नाना का खेत है और यहाँ पर हम लोग धान काट रहे हैं, और मेरे मौसे का भतीजा जगेश्वर भाई हो। तो जगेश्वर भाई अभी धान काट रहा है, मैं भी आपको दिखाता हूँ। जगेश्वर भाई के उधर से धान काटते हुए आ रहा है अपने हार्वेस्टर को लेकर के, तो मैं भी आपको दिखाता हूँ जगेश्वर भाई को कि धान कैसे काट रहा है। बताइएगा कि धान कैसे काट रहा है अभी, जगेश्वर सही काट रहा है कि नहीं काट रहा है, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तो दिखाता हूँ जगेश्वर भाई को। तो गाइस, इधर जगेश्वर भाई आ रहा है हार्वेस्टर मशीन चलाते हुए। मेरे नाना को भी आपको दिखाता हूँ, वहाँ मेरे नाना खड़े हैं वहाँ पे, एंड इधर नाना जी खड़े हैं। गाइस, ये जो हार्वेस्टर मशीन है, आपको देखने में बहुत आसान लग रहा होगा कि बहुत आसानी से कट जा रहा है ऐसा वैसा, लेकिन भाई आपको बता दूं कि ये उतना भी आसान नहीं जितना दिख रहा है। मैं इसको ट्राई किया अभी काटने के लिए, लेकिन भाई मैं तो नहीं कर सका, लेकिन कोशिश करने पे हो जाएगा। लेकिन दिखता आसान है, बट इसको कंट्रोल करना उतना आसान नहीं है। अभी जो पीछे पेड़ देख रहे हैं, ये वाला पेड़ अभी इसके ऊपर चढ़ जा रहा था वो, मतलब थोड़ा सा समझ रहे ना मेरी बातों को। तो अभी जगेश्वर भाई मस्त से धान काट रहे हैं जल्दी से, फिर धान काटने के बाद, अभी तो टाइम अभी हो रहा है 4:30 के आसपास, हम लोग वैसे भी लेट आए थे यहाँ पे, तो उतना ज़्यादा नहीं काट पाएंगे धान। अभी इसको काटेंगे फिर चलेंगे घर में, फिर उसके बाद हो सके तो कल सुबह धान काटेंगे। तो भाई, मेरे को जगेश्वर भाई बोल रहा है कि मैं भी काटूँ हाथ मशीन को, तो जगेश्वर भाई दे रहा है, तो मैं भी धान काटता हूँ थोड़ा सा। जगेश्वर भाई मेरे को दे तो बस मैं चलाऊँगा, तो पकड़ना पड़ेगा पूरा। तो मेरा मैं क्या कर दिया इसका धान का, ये देखिए गाइस मेरा। तो गाइस, मेरे को थोड़ा सा मशीन चलाने के लिए दिया था, तो देखिए मैं क्या कर दिया इधर, ये ऐसे चला रहा था तो यहाँ पे मैं अंदर घुसा दिया। तो भाई मेरे से तो कंट्रोल नहीं होगा, ये मशीन जगेश्वर ही चलाए तो सही है। अभी इसको मेरे को नीचे जो धान कर बिखर गया है, बहुत बहुत पावरफुल मशीन है भाई, बहुत पावरफुल। इसको जो बिखर गया है, इसको यहाँ से अभी हटाऊंगा, थोड़ा सा साइड में ऐसे करके बिछाऊंगा, इधर जो लाइन से बिछ रहा है तो इसको बिछाऊंगा। अभी दिखाता हूँ कि कैसा कर दिया हूँ मैं यहाँ पे आपको। तो ये देखिए गाइस, यहाँ से ऐसे करके जगेश्वर भाई मस्त काटते हुए आ रहा था, और यहाँ से मशीन दिया मेरे को, और उसके बाद इधर से मैं मशीन को छोड़ा और चला गया इधर, भाई इधर घुस गया भाई मेरा। तो फिर मैं जान गया कि मेरे से नहीं हो पाएगा, इसलिए मैं छाड़ दिया। ये देखिए, ये मैं धान काटा हूँ, देख रहे हैं ना आप। तो गाइस, अभी मैं जहाँ धान यहाँ बिगाड़ा था उसको जगेश्वर भाई बराबर कर दिया, यहाँ पे कांडी किया था मैं थोड़ा सा, तो जगेश्वर इसको ठीक कर दिया। तो मैं जो बच्चा खुचा है इसको यहाँ से उठाता हूँ और साइड में रख दे रहा हूँ। जगेश्वर मेरे को फिर बुला रहा है मशीन चलाने के लिए, देखते हैं इस बार चला पाता हूँ कि नहीं वापिस से।
टफ है मशीन को चलाना। जगेश्वर भाई जी अभी मेरे को मशीन ऑपरेट करने के लिए दिया था, आप देख सकते हैं मेरा हाल क्या हो गया, एकदम पूरा पसीना ही पसीना निकल रहा है मेरे सर से। तो भाई गाइस ये मशीन नवा भाई बहुत ज़्यादा हेवी मशीन है गाइस, इतना वाइब्रेशन होता है ना इसके हैंडल में कि मेरा हाथ ना अभी तक पेन कर रहा है गाइस, ऐसे ऐसे मोड़ रहा हूँ तो मेरे को पूरा हाथ दर्द कर रहा है। तो गाइस बहुत टफ मशीन है, मेरा तो हालत ख़राब हो गया भाई इस मशीन को चलाते चलाते। भाई मैं बोला भाई जगेश्वर भाई तू ही मशीन चला यार, मेरे से ऑपरेट नहीं होने वाला है ये मशीन फ़िलहाल। तो गाइस हालत ख़राब हो गया। सो गाइस हम लोगों बस दो खेत को काट पाए, उसके बाद आ गए घर क्योंकि शाम हो गया, इधर देख सकते हैं आप शाम हो चुका है, इसलिए हम लोग यहाँ आ गए। और भाई मैं तो बहुत पसीना से भीग गया था, इसलिए यहाँ आने के बाद फटाफट से मैं यहाँ नलकूप के पास आ गया हूँ, इस नलकूप में मैं अभी नहाऊँगा और फिर मेरे को अच्छा लगेगा, बहुत पसीना आ गया था इसलिए मज़ा नहीं आ रहा है मेरे को, तो नहाता हूँ मैं अभी। तो गाइस मैं और जगेश्वर नहा के आ गए और बहुत ज़्यादा ठंडा लग रहा था, तो नानी यहाँ पे आग जलाई है और तुरंत चाय बना दी, चाय पी रहे हैं। और यहाँ पे आपको दिखाता हूँ कि मेरी नानी क्या कर रही इधर, और मेरी नानी भी चाय पी रही है और उसके साथ हम लोग आग ताप रहे हैं, और आग में मेरी नानी मछली सेक रही है, मतलब आज हमारे यहाँ मछली का सब्जी बनेगा। कैसे जगेश्वर भाई? बहुत मज़ा आएगा। और नाना तो उधर, नाना चावल छाटने में बिजी है, हम लोग के लिए अभी चावल बनेगा तो चावल छाट रहे हैं। और इधर नानी जगेश्वर भाई को चाय दे रही है, इसका सर्दी हो गया है तो कड़क क्या बोलते हैं अदरक वाला चाय बना हुआ है काला वाला। आज मशीन चलाए तो थोड़ा बहुत ही दिक्कत लगा, ऐसा थकावट लग रहा है ना, मैं भी चलाया तो मेरा हालत तो आप लोग देखे ही होंगे, देखे होंगे वीडियो में, अच्छा लगा होगा, मेरा हालत खराब हो गया। तो चलिए ठीक है चाय पीते हैं। दादी बहुत ही कड़कदार चाय बनाए है अदरक के साथ, बहुत ही टेस्टी भाई, मजा लगा ना बड़ा, बहुत मजा आया। अच्छा ठीक ना, अरे रख रे गाइस मेरी दादी खाना बना दी और यहाँ पे मछली है, बड़ा टेस्टी बनाई है दादी, और नाना बगल में बैठे हैं, नानी बैठी है बगल में और हम लोग खाना खा रहे हैं। तो बड़कू नानी कैसी बनाई है? बहुत बढ़िया यार, टेस्टी लगा मछली, टेस्टी तो लगा गाइस, नानी बहुत टेस्टी मछली बनाती है। नानी उधर बैठी है, हम लोग को खाना खिलाने के बाद वो खाएंगे, तो मिलते हैं आपसे खाना खाने के बाद। तो खाना पीना खाने के बाद हम लोग सो रहे हैं, यहाँ पे जगेश्वर भाई सो रहा है और नाना नानी यहाँ पे सो रहे हैं। तो आज के ब्लॉग में बस इतना ही रहेगा गाइस, अगर आपने मेरा पिछला ब्लॉग नहीं देखा है तो आप यहाँ पे क्लिक करके मेरे पिछले ब्लॉग को देख सकते हैं। तो मिलते हैं अगले ब्लॉग पे।